Hey, I am Astroman. Welcome to the second video of Artemis project. This is my first project on YouTube about the Artemis mission of NASA. जैसा कि मैंने इंट्रो वाले वीडियो में ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टमिस मिशन में यूज किए जाने वाले न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। अब टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसे स्पेशली आर्टमिस मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब जिन लोगों को इस मिशन के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। आर्टमिस मिशन नासा का नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ स्पेस मिशन है, जिसके जरिए नासा 50 साल बाद दोबारा मून पर ह्यूमन को लैंड करवाना चाहता है, जहां पहली बार कोई फीमेल अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे बॉडीज पर अपना पहला कदम रख रही होगी। इस सीरीज में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस सीरीज। नाउ अब आते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, नासा का जो यूनिवर्स को डिस्कवर करने का सपना है, उसे पूरा करने के लिए टेलीस्कोप्स, इक्विपमेंट एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स को भी अर्थ से काफी दूर दूर तक भेजना होगा, और SLS को इसी के लिए बनाया गया है, ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स को कार्गो के साथ अर्थ से दूर मार्स तक एंड उसे बियॉन्ड भी भेज सके। रॉकेट्स कई तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल होता है सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट, क्योंकि ये काफी सारे वजन को एक ही बार में स्पेस तक भेज सकता है। और हमारा SLS भी एक सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट है, जो ओरायन कैप्सूल और हैवी कार्गो को अर्थ से बाहर मून एंड मार्स तक भेजने में कैपेबल है। SLS को दो वर्जन में डिजाइन किया गया है। पहला SLS क्रू, जो केवल एस्ट्रोनॉट्स को यानी ओरायन कैप्सूल को लॉन्च करेगा, वहीं SLS कार्गो लार्ज एंड हैवी इक्विपमेंट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा। SLS का चार मेन सेक्शन है। फर्स्ट अपर स्टेज, जिससे ओरायन कैप्सूल जुड़ा होगा। सेकेंड कोर स्टेज, जहां 7,30,000 लिक्विड फ्यूल स्टोर होगा। थर्ड दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जिसमें से दोनों बूस्टर एक एक करके थ्रस्ट को रिलीज करेगा और SLS को स्पेस में जाने के लिए नीचे से प्रेशर प्रोवाइड करेगा। फोर्थ है कोर स्टेज के बॉटम में लगा चार इंजन, ये इंजन 2 मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट को रिलीज करेगा। अब जानते हैं SLS कितना फास्ट है। SLS के स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरे अर्थ का एक चक्कर केवल 66 मिनट में पूरा कर लेगा। यस, इसका टॉप स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि किसी भी दूसरे रॉकेट से काफी ज्यादा है। नासा जैसे ही कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च का बटन दबाएगा, SLS 2 सेकेंड के अंदर ही 8.8 मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट को रिलीज करेगा। 2 मिनट के अंदर रॉकेट बूस्टर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस धरती पर लैंड कर जाएगा। लॉन्च के 8 मिनट 14 सेकेंड में SLS का कोर स्टेज अपर स्टेज से अलग हो जाएगा। 1 घंटे 25 मिनट में अपर स्टेज अर्थ से 600 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। 1 घंटे 53 मिनट में ओरायन अर्थ से 3850 किलोमीटर दूर चला जाएगा। और अब अपर स्टेज ओरायन से अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। अब ओरायन कैप्सूल विदाउट SLS मून के सफर को पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है SLS का आर्टमिस मिशन में क्या रोल है, इसे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो है ओरायन कैप्सूल के ऊपर। सो अगेन, रास्ते से मत भटको, इंडस्क्रीन से एक्सेस करो और इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लो, क्योंकि आर्टमिस जो है ना, हमारे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। इसके बाद दुनिया पूरा बदल जाएगा, और आज नहीं तो कल आपको इस मिशन के बारे में जानना ही होगा। और मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, तो आपको जरूर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।